Hello everyone, welcome to a new video on my channel Yukti Malik. I hope that you all are very good at your places wherever you are seeing my today's video, watching my today's video. And today's video is going to be a very interesting video. और ये video कैसी video होने वाली है कि मैंने अभी तक अपने channel पे एक बार भी डाला है topic. तो आज की video होने वाली है a preparation video as well as a रूटीन वीडियो. तो जैसे कि वो दिन आ ही गया है जिस दिन का इंतज़ार मुझे बिल्कुल भी नहीं था, डर लगता था उस दिन का नाम लेके भी, पर वो दिन आ गया है. कल मेरे स्कूल्स खुलने वाले हैं अब समर वेकेशन के बाद, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट आर प्रिपरेशंस आई एम गोइंग टू डू बिफोर गोइंग टू माई फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, एज वेल एज मैं आपको अपना कल का मॉर्निंग रूटीन भी इसी वीडियो में दिखाऊंगी. क्योंकि अगर मैं सिर्फ प्रिपरेशन दिखाऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी जाएगी. जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने आज अपने बाल वॉश करे हैं, क्योंकि फिर मुझे हमें वीकेंड्स पे टाइम मिलता है अपने बाल वॉश करने का. फिर मुझे ट्यूशन भी जाना है रेगुलरली, सो इसलिए, और सुबह सुबह मुझसे बिल्कुल भी हेयर वॉश नहीं करा जाता, तो फिर इसलिए मैं मुझे वीकेंड पे करती हूँ. टुडे संडे एंड कल है मंडे, मंडे से मेरे स्कूल खुलने वाला है और आज मैंने संडे को अपने बाल धो भी लिए. सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी वेकेशन कितने टाइम की थी. तो मेरी वेकेशन 2 महीने की थी और इसका रीज़न ये था कि फर्स्ट रीज़न है इसकी बहुत ज़्यादा दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी, और सेकंड रीज़न कि आजकल की जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा कम है. एंड कुछ बच्चे जब गए थे, इनफैक्ट सीनियर्स भी 11th 12th क्लास के बच्चे भी, एंड वो भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे. तो फिर इसलिए हमारी जो छुट्टियाँ वो 15 डेज तक और एक्सटेंड कर दी थी, तो फिर वो 1.5 महीने की जगह पर 2 महीने की हमारी छुट्टी पड़ गई थी. राइट नाउ टाइम इज़ दोपहर के 3:30 हो रहे हैं, 3:30 बज चुके हैं, और अब मैं अपनी प्रिपरेशन करना शुरू करती हूँ. तो बुक्स मैं लास्ट में करूँगी, क्योंकि ऑफकोर्स बुक्स इज़ कंपल्सरी, वो तो है ही है. तो सबसे पहले मैं करूँगी अभी अपने पेंसिल केस ऑर्गेनाइज करूँगी, पेंसिल पाउच करूँगी. वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉमन स्टेशनरी आइटम की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी मेरे एग्जाम से 5 डेज बाद स्टार्ट होने वाले हैं, सो दैट्स व्हाई मुझे उसकी भी सारी ऑर्गेनाइजेशन करनी है. एंड मैं अभी अपना पेंसिल पाउच अपने एग्जाम के हिसाब से अभी ही सब कुछ पैक कर रही हूँ, फिर बाद में मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड मेरा टाइम कम वेस्ट होगा. दिस इज़ माई पेंसिल पाउच विच आई हैव शोड यू इन माई आई थिंक सेकेंड वीडियो ऑफ माई दिस चैनल, सेकेंड और थर्ड वीडियो थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैनल आई हैव शोन यू दिस पाउच. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल न्यू ही है मेरे लिए. दिस इज समवॉट होलोग्राफिक थीम्ड और ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस भी है. तो जो इसका सामान है वो मैंने सारे निकाल के इसको वापस से ऑर्गेनाइज करूँगी. सो गाइज, दिस इज माई पाउच एज आई हैव शोन यू, और अब मैं इसके अंदर अपना सारा सामान रखूँ जो कुछ भी मुझे रखना है. तो मैं एक एक करके सारा सामान रखूँगी, मैं आपको सारा तो नहीं दिखाऊँगी. सबसे पहले अपना हाईलाइटर रखा, फिर अपनी पेंसिल, और मैंने सब कुछ अपना धीरे धीरे करके पेन वेन सब कुछ रखा जिन जिनकी मुझे ज़रूरत है. अगर आपको अच्छे से मेरे पेंसिल पाउच ऑर्गेनाइजेशन वीडियो की ज़रूरत हो तो फिर वो उसकी मैंने शॉर्ट्स भी डाल दी है, तो फिर आप शॉर्ट भी देख सकते हो जाके. जो चीज़ें मुझे रखनी थी एंड जो चीज़ें मुझे जिसमें से निकालनी थी वो मैंने निकाल के रख लिया अब इसके अंदर. एंड नाउ आप पाउच इज़ टोटली पैक्ड फॉर माई एग्जाम्स एज वेल. तो मेरे सारे स्टेशनरी आइटम जो भी एग्जाम के लिए सच चाहिए होते हैं, हाइलाइटर्स एंड ग्रीन पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, सारे सब कुछ मैंने इसके अंदर रख दिया है अब. एंड अब चलते हैं अपने बैग की तरफ. This is my bag. This is very comfortable and this is from Genie, by the way. मैं ये बिल्कुल भी खाली है और पूरे 2 महीने मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी. मैं मुझे मम्मी से पूछ के आई हूँ कि मम्मी मेरा बैग कहाँ पर रखा है, तो मेरी मम्मी ने कहा है कि तेरा बैग वहाँ पर उस वाली अलमीरा में रखा है. एंड तब मैं ये निकाल कर आई, मैंने 2 महीने से इसकी शक्ल नहीं देखी है. दिस इज़ माई बैक पैक, एंड मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने बैक पैक में क्या क्या रखती हूँ. सबसे छोटी वाली पॉकेट है मेरी, जो कि हर जीनी के बैग में मिलती है, जो ओरिजिनल होता है. और उसके अंदर मैंने रखी अपनी वैसलीन, क्योंकि वो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ. सबसे आगे वाली जिप के अंदर मैंने अपना आई कार्ड और ये टायर रखा, क्योंकि मैं प्रॉबली भूल जाती हूँ उनको अपने लगाना या फिर पहनना, तो फिर जब स्कूल में आ जाता तो फिर मैं स्कूल में पहन लेती हूँ. फिर नेक्स्ट जिप मैंने खोली, जिसके अंदर एक क्यूट सा चाम भी लगा हुआ है, क्रूड्स वाला. मैंने रखी ये एक स्पायरल वाली डायरी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. इसमें टू डू लिस्ट बना देती हूँ. ये मेरा हॉलीडे होमवर्क का एक पार्ट है. ये एक कैंडल का डायग्राम था बेसिकली, जो कि ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर बनाना था. फिर था मेरे पास एक बॉल जेल पेन, और ये बेसिकली रोलर बॉल पेन है. और फिर मैंने रखा नटराज का एक 2 रुपये वाला सिंपल सा पेन. फिर मैंने मिनीसो वाला एक ब्लैक पेन रखा, और उसके बाद मैंने अपनी रखी ब्लैक रबर बैंड्स, एक छोटी सी जिप
एक छोटी जिप के एक छोटी सी पॉकेट के अंदर, और जो होल्डर वो मेरा रह गया था कंप्यूटर का, फिर मैंने वो डाला। और उसके बाद मैंने डाली अपनी एलिमनैक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको मैं सबसे हमेशा अपने आगे वाले जिप में हमेशा रखती हूँ 24/7 हर टाइम। फिर मैंने अपनी नेक्स्ट जिप खोली, नेक्स्ट जिप के अंदर मैं वैसे तो अपनी बुक्स रखती हूँ, बट मैंने जल्दबाजी में कॉपी रख ली थी अपनी, तो मैंने अपनी कॉपी रखी, एक रफ रजिस्टर था, बाकी सब मेरी सब्जेक्ट नोटबुक्स थी जिन जिनकी मेरा कल पीरियड था। और फिर मैंने उस जिप को भी जल्दी से बंद कर दिया। फिर मैंने खोली अपनी नेक्स्ट जिप जिसके अंदर मैं रखती हूँ अपनी बुक। वैसे तो लैपटॉप कंपैटिबल भी है, बट हमारे स्कूल में लैपटॉप अलाउड नहीं है अभी, तो फिर इसलिए मैं अपना लैपटॉप नहीं रखती, एंड साथ ही मैंने अपना पाउच भी रख दिया। सो एंड वापस से मैंने अपना अपनी सेकेंड वाली जिप खोली एंड उसके अंदर स्टिकी नोट्स रख दिए बाद में, छोटे वाले स्टिकी नोट्स। My backpack organization is done and now I am going to organize my bookshelf। और उसके बाद मुझे बस अपना होमवर्क हॉलीडे होमवर्क जो है उसको बस अच्छे से रखना है, क्योंकि कल मैं एक साथ सारा लेके जाऊंगी इसलिए, और फिर सबमिट करके एंड फिर आ जाना है। फिर मैंने जल्दी से अपनी बुकशेल्फ ऑर्गेनाइज़ करी, और मेरी बुकशेल्फ सिर्फ नीचे वाला जो रो है वो ही मेरी बुकशेल्फ की है। तो इसके अंदर मेरे अलग अलग कॉलम्स हैं, एक है मेरी न्यू कॉपीज़ का, एक यूजिंग कॉपीज़ का जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, और एक बुक्स का। फाइनली बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, जिस वाले रूम में मेरे और मेरे भाई की बुकशेल्फ है, एक्चुअली मेरे और मेरे भाई की बुकशेल्फ एक ही है, और मेरे भाई की बहुत ज़्यादा अनटाइडी है, मेरी टाइडी रहती है, बस फ़र्क ये है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है उस वाले रूम में, क्योंकि वहाँ पर ना ही कोई फ़ैन है ना ही एसी है, और क्यों वो काइंड ऑफ आर स्टोर रूम है वो। और अभी जस्ट मुझे गर्मी की वजह से एक इन्फेक्शन हुआ था, अगर आपने वीडियो ना देखी तो आप देख लेना, मैंने आपको बताया था कैसे किस क्या क्या इन्फेक्शन हुआ था, तो आप देख लेना, इससे पिछले वाली वीडियो ही है। और वापस इतनी गर्मी में काम करना पड़ रहा है, अब नहीं करूँगी इतनी गर्मी में काम, बहुत गर्मी लग रही है। तो अभी मैं नीचे बैठ गई हूँ एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा सारा हॉलीडे होमवर्क, एंड अब उसको मैं ऑर्डर वाइज रखूँगी, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, एंड देन जिसका मेरा कल पीरियड होगा मैं सोच रही हूँ मैं तभी कर लूँ, क्योंकि फिर एक साथ ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दो दो तो मेरे प्रोजेक्ट हैं, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है और एक ड्रिप इरीगेशन का है, सो दैट्स वाई यू ऑल नो मैं तक नहीं कर सकती, इतना बोझ नहीं ले सकती अपने सिर पे। तो मैं धीरे धीरे करके जो जो मेरे पीरियड्स होते रहेंगे दिन में, वो उन्हीं सब्जेक्ट के पीरियड्स के अकॉर्डिंग मैं ले चलूँगी अपना हॉलीडे होमवर्क। दिस इज माई हॉलीडे होमवर्क विच आई डिड, एंड और भी अभी ये तो सिर्फ सब्जेक्ट का है। सो आई हैव डन माई हॉलीडे होमवर्क वर्क, और अभी रात हो रही है, और मम्मी ने मेरे बालों में तेल भी लगा लिया था, और मैंने तेल लगवा लिया, मैंने ब्रेड बनवा ली क्योंकि मैं बिना तेल के बिल्कुल भी नहीं रह सकती, एंड अब हम मिलेंगे कल। कल है मेरे फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। सो हेलो गाइस, वंस अगेन, सो अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 6, और मैं उठ चुकी हूँ, मुझे नींद ही नहीं आई आज पूरी रात, मैं मम्मी को उठाना भी नहीं पड़ा, मैं खुद उठ गई आज। और मेरे बालों की हालत अभी गंदी सी है, छोटे छोटे बाल आगे निकल आए, तो अभी मैं जूड़ा बनाऊँगी और नहा के आऊँगी, अपनी यूनिफॉर्म निकालती हूँ पहले। आज का दिन अच्छा हो, मेरी आँखें भी काली हो गई है, मैं पूरी रात नहीं सोई। तो ये यहाँ पे मैंने अपनी यूनिफॉर्म निकाल ली है अभी, और मैंने देखा कि मैंने भी अपने चैनल खोल के देखा, और मैंने देखा कि मेरा एक सब्सक्राइबर हो गया है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं सुबह सुबह मैं पहले इतनी खुश थी कि आज मेरे स्कूल खुलने वाला है, और ऊपर से मुझे और दिख गया, और देखो मुझे एक नया पिम्पल हो गया, ये गंदी बात है। और एक ही जगह पर देखो दो दो हैं, और वाइट वाइट ये वाले पिम्पल, ये वाले मतलब रेड हो जाए, पर ये वाले पिम्पल मुझे सबसे गंदे लगते हैं, पर कोई बात नहीं, कैसे कैसे कर ठीक हो जाएगा थोड़ी देर बाद, या फिर एक दो दिन में हो जाएगा। मैंने अपना जूड़ा बना लिया है और अपनी यूनिफॉर्म भी सेट कर, तो मैंने अपने यूनिफॉर्म भी पहन लिया है, और मेरे भाई ने भी पहन लिया है, वो दूसरे स्कूल में पढ़ता है, मैं दूसरे स्कूल में पढ़ती हूँ, और अब मैं अपने बाल लगवा लेती हूँ मम्मी से। तो यहाँ पर मेरी मम्मी ने भी चोटी बना दी है, और ये चोटी मुझे थोड़ी गंदी लगती है क्योंकि इसमें बाल छोटे लगते हैं इसलिए, बट कोई बात नहीं, मम्मी ने भी चोटी बना दी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूरा आउटफिट, आई कार्ड मैं बाद में पहन लूँगी स्कूल जाके, और सी हाउ गुड इट इज़ लुकिंग। मैंने अपनी न्यू बॉटल ली थी रखी थी जो मेरे बैग के अंदर रखी है, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक दिस वीडियो। मुझे इतनी खुशी हुई मेरा फर्स्ट सब्सक्राइबर देख के, मेरी वीडियो को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।